नमस्कार, मैं हूं आनंद कुमार। स्वागत है आप सभी लोगों का कंपटीशन कम्युनिटी में। कंपटीशन कम्युनिटी का खास CGPSC और व्यापम के पैटर्न पर आधारित मोबाइल कोर्स लॉन्च हो चुका है। इस मोबाइल कोर्स के माध्यम से आप देश के किसी भी कोने में बैठकर कहीं से भी CGPSC या फिर व्यापम की तैयारी बहुत आसानी से कर सकते हैं। इस मोबाइल कोर्स की खास बात यह है कि इस मोबाइल कोर्स में आपको मिलेंगे CGPSC और व्यापम के पैटर्न पर आधारित 200 से अधिक वीडियो लेक्चर्स। इसके साथ ही यहां आपको मिल रहा है ऑनलाइन स्टडी मटेरियल, वो भी 3000 से अधिक विशाल प्रश्नों के संग्रह के साथ। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से संबंधित क्या है आप लोगों के लिए खास, सुनिए निकट मैम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निकट परवीन खान फ्रॉम कॉम्पिटिशन कम्युनिटी। कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के न्यूली लॉन्च मोबाइल कोर्स में मैंने दो सब्जेक्ट्स डील किए हैं। दो सब्जेक्ट्स मैं इसमें पढ़ा रही हूं, फर्स्ट है हिस्ट्री और दूसरा है पॉलिटिक्स। इन दोनों ही सब्जेक्ट्स के अराउंड 30 लेक्चर्स आपको मिलेंगे और ये पूरे ही प्रीलिम्स के सिलेबस को कवर करते हैं और वो भी बहुत सिंप्लीफाइड मैनर में। होप आपको प्रीलिम्स में इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉम्पिटिशन कम्युनिटी। मैं हूं निकट परवीन खान और पॉलिटी की आज की इस क्लास में हम सिटीजनशिप एक्ट 1955 को डिस्कस करेंगे। देखिए, ये वाली जो आज की क्लास है ये एक कंटिन्यूंस क्लास है। लास्ट वीडियो में हमने नागरिकता का जो प्रावधान है संविधान में उसे डिस्कस करना स्टार्ट किया था और उसमें आपको इंट्रोडक्शन में ही मैंने बताया था कि भारत में नागरिकता से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान है उनमें सिर्फ आर्टिकल्स में कुछ चीज़ें दी गई हैं जो ये बताती हैं कि उस समय जब संविधान लागू हुआ था तब कौन नागरिक रहेगा। संसद की कुछ शक्तियों को बताती है और नागरिकता किस तरह से, एकाध कोई पॉइंट दिया गया कि कैसे छीनी जा सकती है। लेकिन नागरिकता से संबंधित और जो प्रावधान है वो नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारत में फॉलो किए जाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये वाली जो क्लास है आपकी नागरिकता वाले टॉपिक की सेकेंड क्लास है। तो आज के वीडियो में हम उसका जो रेसिडुअल पार्ट है सिटीजनशिप एक्ट 1955 उसे ही डिस्कस करेंगे, उसे ही डील करेंगे। सो देखिए, आपने देखा ही था लास्ट क्लास में कि 5-11 के आर्टिकल्स में बहुत बाद में जो लोग इंडिया में आए या बाद में जो इंडिया में पैदा हुए उनकी नागरिकता से संबंधित कोई बात नहीं कही गई थी। आपने देखा ही था कि पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट करने वाले एट द टाइम ऑफ लॉन्च ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो उस समय लोग रह रहे हैं 5 साल पहले से, उन लोगों के बारे में कहा गया, लेकिन बाद में जो लोग यहाँ पैदा हुए जो आए उनके बारे में कुछ नहीं कहा गया। दूसरे देश की जो नागरिकता है उसे अगर आपने ले ली तो भारत की नागरिकता आपसे छीन ली जाएगी, बस यही कहा गया था अनुच्छेद 9 में। लेकिन उसके अलावा और कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे नागरिकता आपकी छीनी जा सकती है, इसको एलैबोरेट नहीं किया गया था। ठीक, तो आज की इस क्लास में सिटीजनशिप एक्ट के तहत हम इन दोनों ही चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस एक्ट के तहत किन किन तरीकों से भारत की नागरिकता हासिल की जा सकती है या इस एक्ट के तहत किन किन तरीकों से कोई भारत का नागरिक बन सकता है या कहलाता है। ठीक, और उसके बाद हम देखेंगे कि इस एक्ट के तहत कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिसके तहत भारत की नागरिकता किसी से छीनी जा सकती है। ठीक, तो देखिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम सबसे पहले हम इस एक्ट को देखते हैं। 5 तरीके बताए गए हैं जिसके ज़रिए भारत की नागरिकता किसी भी इंसान को मिल सकती है। एक्विजिशन यानी नागरिकता के अर्जन के ये 5 तरीके इस एक्ट में मेंशन्ड हैं। सबसे पहले है बर्थ, दूसरा है डिसेंट, तीसरा है रजिस्ट्रेशन, चौथा है नेचुरलाइजेशन, 5वां है इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। अर्जन, जन्म से, वंश के आधार पर, पंजीकरण द्वारा, प्राकृतिकरण द्वारा, क्षेत्र समाविष्ट द्वारा। अब इसका मतलब समझें। पहला बर्थ, आपको बताया था मैंने कि जस सोली के अगेंस्ट जस सैंग्विनिस यहाँ पे लागू है, लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। तो बर्थ और डिसेंट ये तो जो चीज़ें उसमें आर्टिकल्स में दी गई थी इसको दोहरा दिया गया, लेकिन यहाँ पर कुछ जो आपके डेट्स हैं जो वहाँ पे स्पेसिफाई नहीं की थी उसको यहाँ पे एलोबोरेट किया गया है। वहाँ पे उस टाइम सिर्फ विभाजन और आज़ादी के टाइम की डेट्स थी, ये उसके बाद के जो जन्म हुए हैं भारत में उनसे रिलेटेड हैं। ठीक, तो बर्थ डिसेंट वाला पॉइंट तो आर्टिकल्स में ही था। उसके अलावा रजिस्ट्रेशन का भी उसमें थोड़ा बहुत प्रावधान था जब माइग्रेंट लॉ आया था। आपको बताया था मैंने कि माइग्रेंट लॉ में 6 महीने इंडिया में रहना पड़ता है उसके बाद, तो वो सिर्फ माइग्रेंट्स के लिए था। लेकिन और बाकी जो दूसरे लोग इंडिया में आ रहे हैं, इंडिया के मूल निवासी और कहीं विदेश में और फिर इंडिया में आ रहे हैं, इंडिया की नागरिकता चाहते हैं, तो उनके लिए क्या प्रावधान है, ऐसा उसमें कुछ नहीं था। तो पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता किसी तरह से पंजीकरण द्वारा भी दी जा सकती है, वो इसमें बताया गया है। बर्थ और डिसेंट तो है ही, उसको हम डिटेल में जाएंगे। पंजीकरण हो सकता है, नेचुरलाइजेशन, ठीक है, आपका भारत से कोई वास्ता नहीं है अगर आप इंडिया के मूल निवासी भी नहीं हैं। ठीक, आप एक टोटली फॉरेनर दूसरे देश के और इंडिया में आप
वहाँ भारत की नागरिकता चाहते हैं तो ये प्राकृतिकरण द्वारा या नेचुरलाइजेशन द्वारा मिल सकती है। रजिस्ट्रेशन में ये फ़र्क था कि रजिस्ट्रेशन में आपका कहीं ना कहीं एंसेस्ट्रल लिंक जो है वो भारत से होना चाहिए, मतलब वो जो मैं जस्ट सेंग्विनस की बात कर रही थी ना, वो रजिस्ट्रेशन में होना चाहिए। सिटीजनशिप राइट बाय द राइट ऑफ ब्लड, ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। नेचुरलाइजेशन उन लोगों के लिए जहाँ जिनका कोई पुश्तैनी कोई भी संबंध भारत से नहीं रहा, उन्हें अगर भारत की नागरिकता चाहिए तो नेचुरलाइजेशन के जरिए मिल सकती है। उसके बाद इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, बहुत सिंपल सी चीज़ है, ये तो आप एक लाइन में समझ सकते हैं, ये वाली चीज़ को और डिटेल नहीं करेंगे हम। यहीं पर मैं आपको बता देती हूँ कि हमने पार्ट वन में भी ये चीज़ पढ़ी थी कि संसद चाहे तो किसी सीज़ के ज़रिए, किसी नेगोशिएशन के ज़रिए, किसी आक्रमण के ज़रिए, किसी एक्विजिशन के ज़रिए कोई नए हिस्से को भारत की टेरिटरी में शामिल कर सकती है। कई बार ऐसा हो चुका है इंडिया में कि अर्स्टवाइल कोई हिस्सा भारत का हिस्सा नहीं रहा और बाद में किसी समझौते के तहत उसे भारत का हिस्सा बनाया गया, जैसे सिक्किम, गोवा, पुडुचेरी, इन सब एग्जाम्पल्स को हम पढ़ चुके हैं। ठीक ऐसे ही छोटे मोटे कई ऐसे आइलैंड्स हैं इंडिया बांग्लादेश के बीच में, डिस्प्यूटेड टेरिटरीज़ हैं जिनके एक्विजिशन की, जिनके अथॉरिटी की लड़ाइयाँ या बातचीत चल रही हैं, और उस बीच में आप जानते होंगे कि कई ऐसे समझौते हुए जिसमें कुछ जो एनक्लेव्स हैं हमें दे दिए गए, कुछ एनक्लेव्स बांग्लादेश को दे दिए गए। ठीक तो हमारे नेबरिंग कंट्री से कई बार इस तरह की नेगोसिएशंस के ज़रिए कई छोटे मोटे हिस्से इंडिया की टेरिटरी में शामिल हो जाते हैं जो पहले इंडिया का हिस्सा नहीं रहते। तो पांचवा पॉइंट यही कहता है कि जब भी कोई, ध्यान से सुने क्या कह रही हूँ, जब भी कोई नया हिस्सा भारत में जोड़ा जाता है तो वहाँ के जो लोग हैं वो ऑटोमेटिकली भारत के नागरिक बन जाते हैं। आई बात समझ में? जैसे आप जानते होंगे 2015 में जो इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर अग्रीमेंट हुआ था उसमें बहुत सारी जो बांग्लादेशी बस्तियाँ हैं उन्हें भारत का हिस्सा बना दिया गया। तो वो जितनी भी बस्तियाँ जिन्हें इंडिया का हिस्सा बनाया गया, वहाँ के नागरिकों की पहली जो नागरिकता रही होगी वो बांग्लादेश की रही होगी, लेकिन अब वो भारत के नागरिक कहलाएंगे। जब सिक्किम 1975 में भारत में शामिल किया गया था तो सिक्किम में रहने वाले जितने लोग थे उन्हें सीधे सीधे विदाउट एनी देयर बैकग्राउंड, उनकी बैकग्राउंड जाँच किए, सीधा सीधा उनको भारत की नागरिकता दे दी गई थी। तो फिफ्थ पॉइंट सीधा ये कहता है कि जैसी कोई टेरिटरी इनकॉर्पोरेट की जाती है, जैसी समाविष्ट होता है कोई क्षेत्र भारतीय क्षेत्र में, तो वहाँ के रहने वाले लोग सीधा सीधा भारत के नागरिक कहलाते हैं, उनको वो अधिकार मिल जाता है। ठीक है, इससे ज़्यादा डिटेलिंग नहीं, इसलिए मैंने फिफ्थ पॉइंट पहले बताया। हम अब आते हैं सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पे, बर्थ। ठीक, जाहिर सी बात है नाम से समझ में आ रहा है कि जो भी इंडिया में पैदा हुए हैं वो भारत के नागरिक कहलाएंगे, लेकिन यहाँ पे डेट्स का कुछ एक्सटेंशन है जो कि आपके आर्टिकल 5 में नहीं था। ठीक, इसमें ये बताया गया है, गौर से सुनेंगे, मैंने यहाँ पे तीन कट ऑफ डेट्स लिखी हैं, 26 जनवरी 1950, 1 जुलाई 1987, 3 दिसंबर 2004। आपने पढ़ा ही था उन आर्टिकल्स में कि मैंने बताया था कि 1 मार्च 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 के बीच में जितने लोग पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट होकर आए हैं उनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। आप उस लेक्चर में पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं इस चीज़ को। और वहीं पर मैंने मेंशन किया था कि भी उसके बाद के माइग्रेंट्स उन आर्टिकल के तहत इंडिया के नागरिक नहीं कहलाएंगे, क्योंकि उसके बाद का जो प्रावधान है वो इस एक्ट के तहत कहलाएंगे। ठीक, तो 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 के बीच में जितने लोग भारत में जन्मे हैं, इस डेट के बीच में जितने लोग भारत में जन्मे हैं उनके माँ बाप की फिर चाहे कोई भी नागरिकता क्यों ना हो, चाहे उनके माँ बाप इंडियन हो चाहे ना हो, आ रही बस समझ में, अगर आपका जन्म इस अवधि में इंडिया में हुआ है तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द नेशनैलिटी ऑफ योर पेरेंट्स आप भारत के नागरिक कहलाएंगे, आपको सिटीजनशिप का दर्जा मिल जाएगा, आपके माँ बाप की सिटीजनशिप या नेशनैलिटी नहीं देखी जाएगी। क्लियर? ठीक, अगर आप इन दोनों डेट्स के बीच में भारतीय क्षेत्र के अंदर पैदा हुए, यानी कि आपका बर्थ 87 से 2004 के बीच में है, ठीक है, इसके बीच में बर्थ है, तो इसमें एक कंडीशन है कि आप भारत के नागरिक तब कहलाएंगे, सिटीजनशिप आपको तब मिलेगी जब ईदर ऑफ योर पेरेंट्स इंडिया के सिटीजन हो। ठीक है,
कहने का मतलब है यहाँ पे अगर आपका बर्थ हुआ इस टाइम पीरियड में तो आपके माँ बाप की नेशनैलिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर 87 से 2004 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है भारत के क्षेत्र के अंदर तो आपको भारत की नागरिकता तब मिलेगी जब आपके माँ या बाप में से कोई एक भारत का नागरिक हो, दोनों ज़रूरी नहीं पर कोई एक होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपकी पैदाइश 2004 के बाद हुई है भारत में तब आपको सिटीजनशिप तब मिलेगी जब आपके बोथ पेरेंट्स दोनों ही भारत के नागरिक हों। आ रही बात समझ में? यानी यहाँ पे तीन कट ऑफ डेट रख दी गई कि भाई अगर आपका जन्म इनके बीच हुआ है तो क्या कंडीशन से आपको सिटीजनशिप मिलेगी, इन दोनों के बीच मिला है तो हुआ है तो आपको क्या कंडीशन सिटीजनशिप मिलेगी, और इसके बाद हुआ है तो क्या कंडीशन सिटीजनशिप मिलेगी। ऑटोमेटिक है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है, ठीक है। आपके जन्म तिथि से सीधा सीधा आप नागरिक हैं कि नहीं, क्या क्लॉज से आप नागरिक कहलाएंगे वो तय हो जाता है। तो एक लाइन में फिर से दोहराती हूँ मैं, पहले वाला जो बर्थ वाला क्राइटेरिया था वो तो आपके विभाजन के समय वाला था, अभी यहाँ पे 1950 की बात की क्योंकि कुछ 1950 के बाद का कोई भी जिक्र उसमें था नहीं। तो देखिए 1950 से 1987 डेट से याद रखें, 50 से 87 के बीच अगर आपकी पैदाइश हुई तो आपके माँ बाप की नेशनैलिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सीधा सीधा भारत के नागरिक कहलाएंगे। 87 से 2004 के बीच अगर आप भारत में पैदा हुए हैं तो आपके माँ या बाप में से किसी एक को भारत का नागरिक होना चाहिए तब आप भारत के नागरिक कहलाएंगे। और 2004 के बाद अगर आप भारत में पैदा हुए हैं तो आप माँ आपके आपको सिटीजनशिप तब मिलेगी जब आपके दोनों ही पेरेंट्स जो हैं वो इंडियन हो, या फिर एक कंडीशन और रखी गई है कि आपके माँ बाप में से कोई एक सिटीज़न हो और दूसरा अवैध रूप से माइग्रेंट ना हो, इलीगल माइग्रेंट ना हो, प्रवर्जन करके यहाँ पे नहीं आया हो, अवैध रूप से, इलीगल माइग्रेंट की बात नहीं कर रहे हैं, ये प्रोवन हो, मतलब ये चीज़ प्रूफ हो इस चीज़ का कि वो इलीगल माइग्रेंट नहीं है, ठीक। तो 2004 के बाद में सिटीजनशिप तब मिलती है जब दोनों पेरेंट्स भारत के नागरिक हो या कोई एक नागरिक हो और दूसरा इलीगल माइग्रेंट ना हो। क्लियर विद दैट? एम आई क्लियर? ठीक। तो ये है इस एक्ट के तहत जन्म के जरिए कैसे नागरिकता डिसाइड होती है उसके कुछ क्राइटेरिया, ठीक। अब अगला हम देखते हैं वंश के आधार पे ये डिसेंट के जरिए कैसे नागरिकता डिसाइड होती है। सो वंशानुगत तौर पे कैसे कोई भारत का नागरिक कहलाएगा ये बताता है इस एक्ट का सेकंड पॉइंट, रजिस्ट्रेशन या मैं कहूँ सिटीजनशिप बाय डिसेंट। तो देखिए ये उन लोगों के बारे में बताता है, उन लोगों की नागरिकता के बारे में बताता है जो भारत से बाहर जन्मे हैं। बर्थ अगर इंडिया में हुआ है तो उसके तो हमने क्राइटेरिया देख लिए, लेकिन अगर आप मूल निवासी भारत के, मतलब आपका एंसेस्ट्रल ओरिजिन इंडिया का है, आपके जो पूछते हैं उनमें से कोई इंडिया में, आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को इंडिया में, लेकिन आपकी पैदाइश कहीं और हुई है, आपकी पैदाइश इंडिया से बाहर हुई है लेकिन आपके पेरेंट्स में से कोई अगर इंडिया के हैं तब आपको इंडिया की नागरिकता कैसे मिल सकती है उस बारे में ये सेकेंड पॉइंट बताता है। दिस पॉइंट इज़ फॉर दोज पीपल बॉर्न आउटसाइड इंडिया विथ इंडियन ओरिजिन। भारत के बाहर जन्मे वे लोग जिनका मूलतः भारत से संबंध है उनके लिए ये नागरिकता का प्रावधान है। आई बात समझ में? तो इसमें अगेन तीन कट ऑफ डेट दी हुई हैं, 26 जनवरी 1950, 10 दिसंबर 1992, 3 दिसंबर 2004। तो इसमें ये बताया गया है कि अगर आपका जन्म इस टाइम पीरियड के बीच हुआ है 1950 से 1992 के बीच में, इस दोनों डेट्स के बीच में हुआ है इंडिया से बाहर, इंडिया से बाहर आपका जन्म हुआ है कोई फॉरेन कंट्री में इन दोनों डेट्स के बीच में, और आपके जो वो पिता हैं वो इंडियन हैं, मतलब उनके पास इंडियन सिटीजनशिप है एट द टाइम ऑफ योर बर्थ, आपका जब जन्म किसी और देश में हुआ तब आपके पिता यदि भारत के नागरिक हैं तो आपको भी भारत की नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ फादर की सिटीजनशिप इम्पॉर्टेंट है अगर आप इस टाइम पीरियड के बीच में इंडिया से बाहर पैदा हुए तो, ठीक। उसके बाद ये दोनों कट ऑफ डेट्स आती हैं 1992 से 2004 के बीच में, इन दोनों के बीच में अगर आपका जन्म हुआ किसी दूसरे देश में आउटसाइड इंडिया तब आप भारत के नागरिक तब कहलाएंगे जब आपके माँ या बाप में से कोई एक भारत का नागरिक हो आपके जन्म के समय। मतलब हियर द नेशनैलिटी ऑफ ओनली योर फादर इज़ इम्पॉर्टेंट, है ना, यहाँ पे आपकी मदर की जो नेशनैलिटी वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे 1992 से 2004 वाले में ईदर है, मतलब मदर या फादर, ठीक है, आपके माता या पिता में से कोई भी एक यदि उस समय भारत का नागरिक है जिस समय आपका जन्म कहीं और हुआ
तो आप इंडिया के नागरिक कहलाएंगे। ये ना यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे मदर की नेशनैलिटी से भी आपको इंडिया की नेशनैलिटी मिल सकती। क्लियर विद दैट? आउटसाइड इंडिया आपका जन्म हुआ, पर जन्म के समय फादर अगर इंडिया के सिटीजन है तो आप सिटीजन हो जाओगे। जन्म के समय माँ या बाप में से कोई एक इंडिया का सिटीजन है तो आप सिटीजन हो जाओगे। क्लियर विद दैट? ठीक। उसके बाद 2004 के बाद अगर आपका जन्म किसी दूसरे देश में हुआ है तो आप इंडिया के नागरिक ऑटोमेटिकली नहीं कहलाएंगे, भले ही आपके माँ बाप में से किसी का भी यहाँ पे सिटीजनशिप राइट हो। ठीक है, कभी रहे हो यहाँ के सिटीजन या हो यहाँ पे सिटीजन तो आप नहीं कहलाएंगे, अनलेस एंड अनटिल जिस देश में आप हैं, जिस देश में आपकी पैदाइश हुई उस देश में एक साल के अंदर अंदर विद इन वन ईयर, समझना क्या कह रही हूँ, विद इन वन ईयर आप ऑटोमेटिकली नागरिक नहीं कहलाएंगे अगर 2004 के बाद आप विदेश में पैदा हुए तो। ठीक है, लेकिन अगर एक साल के अंदर अंदर आप अगर आप ये क्लेम करना चाहते हो कि भाई आपके माँ बाप या दोनों ही इंडिया के सिटीज़न हैं या थे या मूल निवासी हैं, उस नाते आप इंडिया की सिटीजनशिप क्लेम करना चाहते हो, तो आपके जन्म के एक साल के अंदर अंदर आपके माँ बाप को आपका वहाँ के काउंसिलेट के पास रजिस्ट्रेशन कराना होगा। काउंसिलेट समझते हैं ना, हमारी जो एम्बेसी उस देश में होगी, जो हमारा पार्षद प्रतिनिधित्व वहाँ पे होगा, वो पार्षद प्रतिनिधि के पास आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, यानी आपके माँ बाप को आपका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा विद इन वन ईयर ऑफ योर बर्थ। आपके जन्म के एक साल के अंदर अंदर अगर आप 2004 के बाद जन्मे हैं किसी देश में, तो आपके जन्म के एक साल के अंदर अंदर आपके माता पिता को उस देश की जो भारत की एम्बेसी होगी उस देश में, वहाँ का जो हमारा पार्षद प्रतिनिधि होगा, जो काउंसिलेट होगा, मतलब वहाँ का जो ऑफिस होगा काउंसिलेट का, वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन कराना होगा, तब आपको भारत की नागरिकता मिलेगी। लेकिन हाँ, पासपोर्ट अधिनियम आपको बताया था मैंने लास्ट क्लास में, उसके तहत ये है कि आप तब तक नागरिक बने रहेंगे जब तक आपको उस देश का पासपोर्ट नहीं मिल जाता। जैसे ही आपको उस देश का पासपोर्ट मिलेगा, आपकी जो नागरिकता है वो छीन ली जाएगी। क्लियर विद दैट? ठीक। तो ये डिसेंट वाली जो चीज़ थी वो जस्ट सेंग्विनिस को फॉलो करते हुए उन लोगों के लिए थी जो मूल निवासी भारत के हैं, उनका वंश भारत का है, वंश के आधार पर आप क्लेम कर सकते हो भारत की नागरिकता। लेकिन यहाँ डेट्स के हिसाब से डिसाइड होता है क्लॉजेस कि कब आप ऑटोमेटिकली भारत के नागरिक कहलाएंगे, कब आपका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, और माता पिता की नेशनैलिटी का आपकी सिटीजनशिप से क्या लेना देना है। क्लियर विद दैट? ये कट ऑफ डेट्स दोनों केसेस में याद रखें, अलग अलग हैं। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं हम अगले वाले पॉइंट में, यानी कि अगले तरह के एक्विजिशन के तरीके में, जिसको हम कहते हैं एक्विजिशन बाय रजिस्ट्रेशन, मतलब नागरिकता का अर्जन पंजीकरण द्वारा। सो अगला पॉइंट नागरिकता अर्जन करने का है रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण द्वारा। भारत सरकार इस अधिनियम के तहत जो लोग इंडिया में इलीगल माइग्रेंट नहीं हैं, मतलब अवैध रूप से प्रवासी नहीं हैं, उन्हें एक मौका देती है भारत की नागरिकता हासिल करने का पंजीकरण द्वारा। और पंजीकरण के लिए इस अधिनियम में कुछ क्लॉजेस दिए गए हैं जिन्हें शॉर्ट में हम समझते हैं, सारे क्लॉजेस नहीं पर जो इम्पॉर्टेंट हैं उन्हें हम समझते हैं कि कोई भी भारत की नागरिकता के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकता है, उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया उसको फुलफिल करना होगा। तो सबसे पहले देखिए, रजिस्ट्रेशन का पहला पॉइंट है, यदि कोई व्यक्ति भारत का मूल निवासी हो, भारत में आकर रह रहा हो, ठीक है, लेकिन ये वाली जो डेट्स है ना, ये वाला क्राइटेरिया के हिसाब से नहीं, ऑटोमेटिक नहीं हो, ऑटोमेटिकली नहीं हो, ठीक है, कोई वंश है उसका, एंसेस्ट्रल ओरिजिन जिसके लिए वो क्लेम करना है, तो मूल निवासी मतलब उसका जो लीनिएज है ना, ठीक है, जो वंश है वो भारत से हो, मूल निवासी भारत का हो, कोई उसके एंसेस्ट्रल्स में भारत में रह रहा हो, और वो भारत में, वो इंसान भारत में 7 साल तक रहा हो एप्लीकेशन करने से पहले, तो वो अगर अप्लाई करेगा तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। क्या कह रही हूँ मैं, अगर मैं एक लाइन में कहूँ, एनी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है, ऐसा कोई व्यक्ति जो भारत मूल का है, यदि वो अप्लाई करने के 7 साल पहले से इंडिया में रह रहा है, रहना है ना, रह रहा है और फिर अप्लाई करता है, तो इस पर्टिकुलर क्लॉज के अंदर उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक, ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया, 7 साल तक इंडिया में रह रहा है और भारत का मूल निवासी है, पहले कहीं और रहता था, ठीक, तो अप्लाई करने पर उसको रजिस्ट्रेशन के ज़रिए नागरिकता मिल जाएगी। दूसरा ये है कि मान लीजिए आप इंडिया के मूल निवासी नहीं हैं, आपका जो एंसेस्ट्रल ओरिजिन में जो लीनिएज है, जो वंश है, वो इंडियन नहीं है, लेकिन आपने किसी इंडियन से शादी की है, अगर आपका विवाह किसी भारतीय से हुआ है,
ठीक, और विवाह के बाद आप 7 साल इंडिया में रहे हुए, मतलब एप्लीकेशन करने से पहले 7 साल, विवाहित होने के बाद आप 7 साल इंडिया में रहे हैं, और अगर आप अप्लाई करेंगे तब भी आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो ये वो लोगों के लिए हैं जो मूल निवासी हैं भारत के और अप्लाई करने से 7 साल पहले से रह रहे हैं। ये वो लोगों के लिए जो भारत के नहीं हैं मूल निवासी, लेकिन विवाह करके आए हैं और अप्लाई करने से पहले 7 साल रह रहे हैं, तो अप्लाई करने पे उन्हें भी इंडिया की नागरिकता मिल जाएगी। जैसे आप जानते होंगे ग्रीन कार्ड वाला सिस्टम US में, ये वैसा ही कुछ है कि विवाहित जो लोग हैं उन्हें भी भारत की नागरिकता मिल सकती है, लेकिन विवाह होने के बाद अप्लाई करने से पहले 7 साल आपको यहाँ पर रहना होगा। क्लियर विद दैट? ठीक। उसके बाद ये बहुत छोटा सा और अंडरस्टूड सा क्लॉज है, माइनर्स मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, यहाँ के जो ऑलरेडी नागरिक हैं, ठीक, यहाँ के जो ऑलरेडी नागरिक हैं कहीं और रह रहे हैं, उनके जो छोटे बच्चे हैं, ठीक, उनका रजिस्ट्रेशन के ज़रिए आपका भारत की नागरिकता मिल जाएगी। और जो लोग रजिस्टर्ड हैं, जो पहले से रजिस्टर्ड है ना किसी इनमें से क्लॉज के ज़रिए जो रजिस्टर्ड है, उनके जो बच्चे होंगे उनका भी अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो उन्हें भी नागरिकता मिल जाएगी। मतलब आप जो हैं, अगर आपके माँ बाप या तो भारत के नागरिक हों, या तो उन्होंने इस पर्टिकुलर अधिनियम के तहत ही रजिस्ट्रेशन करवा के भारत की नागरिकता हासिल की हो, ठीक, तो जो उनके बच्चे हैं उन्हें एक रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटी के तहत भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, तो ये पूरा पूरा आपका डिसेंट का ही एक तरह का एक्सटेंशन है, बस फॉर्मेलिटी है रजिस्ट्रेशन की, यहाँ पे ऑटोमेटिकली नहीं बन रहे, फॉर्मेलिटी हो रही है कि आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। और वो जो डिसेंट वाली वंशानुगत वाली थी उसमें ऑटोमेटिकली कौन कहलाएगा कौन नहीं कहलाएगा वाली बात होती थी, पर यहाँ पे है कि भारतीय मूल निवासी लोगों को किन किन क्लॉजेज में रजिस्टर करवा के बनना पड़ेगा। ठीक है, तो जो ऑलरेडी नागरिक हैं या जो लोग जो यहाँ पे रजिस्टर करवाए नागरिकता के लिए, उनके जो बच्चे हैं वो उनको सिंपल रजिस्ट्रेशन से यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। उसके बाद पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन आउटसाइड इंडिया, NRI के तौर पर अगर आपको भारत की नागरिकता चाहिए तो भारत की मूल निवासी जो भारत के बाहर हैं वो भी अगर रजिस्टर करते हैं तो यहाँ पे रहवासी वाला सिटीजनशिप नहीं, वो जो NRI वाला सिटीजनशिप होता है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, और ये वाला लास्ट वाला क्लॉज देखिए, ओवर द सी सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर 5 ईयर्स। आप जानते हैं कि ये ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया एक तरह का NRI का कैटेगराइजेशन होता है, ठीक है, कि समुद्र से परे जो लोग रह रहे हैं पर मूल निवासी भारत के हैं, है ना, उन्हें OCI का सर्टिफिकेट दिया हुआ है, ठीक, वो भारत के ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया की कैटेगरी में आते हैं, एक कार्ड मिलता है OCI कार्ड। अब तो वो ऐसा हो गया कि PIO और OCI को मर्ज कर दिया गया, जो सिटीजनशिप का अमेंडमेंट बिल है उसके तहत इसको तो मर्ज कर दिया गया। बहरहाल पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन OCI कहीं ना कहीं एक ही तरह की चीज़ होती है, उनके लिए अलग अलग प्रावधान थे, लेकिन उनके मर्जर के बाद अब वो चीज़ें कंसेप्ट ही ख़त्म हो गया। कुल मिला के मान के चलिए कि इंडिया के बाहर के जो NRIs हैं उनको OCI कार्ड मिला करता था। तो अगर आपको 5 साल तक के OCI का दर्जा मिला हुआ है, समझना ये किस लिए, OCI तो है वो पहले से, दे आर रिकग्नाइज्ड OCI, मतलब ओवर द सीज सिटीजन ऑफ इंडिया आप हैं, NRI का दर्जा आपको मिला हुआ है, वहाँ पर नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं आप, और अगर आप इंडिया में आकर रहते हो, ये तब की बात है, आप इंडिया में आकर रह रहे हो और आप इंडिया की नागरिकता के लिए क्लेम कर रहे हो, तो ये तब का कंडीशन है। ठीक, तो कंडीशन क्या है कि आपको OCI का दर्जा कम से कम 5 साल तक मिल चुका हो, यानी आप अप्लाई कर रहे हो उससे पहले कम से कम 5 साल के लिए आप OCI रहे हों, ठीक, 5 ईयर्स का आपका OCI का कार्ड रहना चाहिए वैलिडिटी का, और जब आप अप्लाई कर रहे हो उससे कम 1 साल पहले से आप इंडिया में रह रहे हो, दो कंडीशन फुलफ़िल होगी तब किसी OCI को भारत की नागरिकता रजिस्ट्रेशन के तहत मिलेगी। पहली ये चीज़ कि OCI का दर्जा मिले हो आपको 5 साल हो जाने चाहिए, दूसरी ये चीज़ कि अप्लाई करने से पहले भारत में रहकर यहाँ की नागरिकता के लिए अप्लाई करने से पहले आपको कम से कम 1 साल भारत में रहना है, तब OCIs को इंडिया की सिटीजनशिप मिलेगी। क्लियर विद दैट? ठीक है, आई होप दैट इज़ क्लियर। छोटी छोटी सी चीज़ें कॉन्ट्रडिक्टरी भी हैं, देखो देर आर मेनी सब क्लॉजेस, बहुत सारे ऐसे दुनिया में जिनको एक्सटेंड करके अपवादों तक जाते हैं, आप उतना डिटेल ना जाएं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें हैं जहाँ पे आप खुद ज़्यादा कन्फ्यूज ना हो, उन चीज़ों को ध्यान में रखें। आपको कुछ चीज़ें कॉन्ट्रडिक्टरी लग रही होंगी, लेकिन देखिए आप जानते हैं कि भाई सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो है ये संवैधानिक प्रावधान तो नहीं है, ये स्टैट्यूटरी लॉ है जो पार्लियामेंट के जरिए पास होकर के इंडिया में लागू है। इसके साथ साथ पैरेलली कई सारे लॉज है, मैंने पासपोर्ट लॉ का आपको जिक्र किया था, इंडियन नेशनैलिटी लॉ है, ऐसे कई सारे ऐसे प्रावधान हैं संसद में जो एक दूसरे से लिंक्ड है। इनकी कुछ चीज़ें पासपोर्ट लॉ से लिंक्ड है, इंडियन नेशनैलिटी लॉ से लिंक है, उनकी कुछ चीज़ें इससे लिंक्ड है, तो हमको हर चीज़ नहीं पढ़ना है, हमको मेन वाला जो ड्राफ्ट है वो पढ़ना है।
ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कुछ कन्फ्यूजन ऐसा आएगा आपको कि यहाँ पे तो वैसे भी मिल जा रही थी, ऐसे भी मिल जा रही थी, फिर इनका क्या है, ऐसे कई सारे अपवाद आपके दिमाग में आ रहे होंगे, कई सारे एग्जाम्पल्स आ रहे होंगे। तो उससे क्या होता है ना, आप मेन चीज़ से भटक जाते हो। तो आप ध्यान में ये रखिए कि आपको सिर्फ सिटीजनशिप एक्ट 1955 में दिए गई पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को याद करना है। वो अगर किसी और लॉ से कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं या आपस में कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं तो उसको अलग रखकर सिर्फ मेन स्केलेटन को ध्यान में रखना है, ठीक है। आई बात समझ में? ठीक, तो रजिस्ट्रेशन के जरिए एक बार मैं रिपीट करती हूँ, अगर आप भारतीय मूल के हैं और यहाँ 7 साल के रह रहे हैं तो अप्लाई करें, आपको नागरिकता मिल जाएगी। आप भारतीय मूल के नहीं हैं, भारतीय किसी नागरिक से शादी की है आपने, विवाह किया है और 7 साल के लिए रहे हैं अप्लाई करने से पहले, तो रजिस्ट्रेशन के जरिए नागरिकता मिल जाएगी। अगर कोई सिटीज़न जो है इंडिया के, यहाँ पे रजिस्टर्ड सिटीज़न जो इंडिया के, उनके जो बच्चे हैं उनको रजिस्ट्रेशन के ज़रिए मिल जाएगी, ठीक। अगर आप मूल निवासी हैं तो बाहर जो आपके NRIs के तौर पर या पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन के तौर पर आपको नागरिकता जो मिलती है वो आपको मिल जाएगी। अगर आप रजिस्टर करवाते हो वहाँ के काउंसिलेट में, डिप्लोमेट में आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और ओवर द सीज सिटीज़न ऑफ इंडिया अगर आप 5 साल तक रहे हैं और इंडिया में आकर आप यहाँ की नागरिकता हासिल करना चाहते हैं, तो अगर आप 1 साल पहले से यहाँ रह रहे हैं तो आप अप्लाई करिए तो आपको नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है। छोटे छोटे 2-3 मिसलिनियस पर ऑब्वियस से पॉइंट हैं जिसमें कोई चीज़ें ध्यान में रखने वाली बात नहीं है, यूजुअल चीज़ें जिसको ड्राफ्ट करके लिख दिया गया आपके मतलब की, सिर्फ ये 5 चीज़ें, क्लियर, ठीक। अब हम मूव ऑन करते हैं नेचुरलाइजेशन में। देखिए, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी मैंने आपको स्टार्टिंग में समझा दिया था, तो ये लास्ट पॉइंट है एक्विजिशन का कि किस तरह से प्राकृतिकरण के जरिए या नेचुरलाइजेशन के जरिए नागरिकता हासिल की जा सकती है, क्लियर। तो अब हम देखते हैं नेचुरलाइजेशन। सो जो नेचुरलाइजेशन का प्रोसेस है इसके तहत आपका जो नागरिकता का प्रावधान है ये उन लोगों के लिए है जो मूल निवासी भारत के नहीं हैं। अगर आप कोई दूसरी कंट्री को बिलोंग करते हो, आपका जन्म भी वहीं हुआ, अगर आपका लीनेज भी वहीं का है, आपका वंश भी वहीं का है, लेकिन आप भारत में रहकर यहाँ की नागरिकता के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो रजिस्ट्रेशन के ज़रिए नहीं होगा, वो नेचुरलाइजेशन या प्राकृतिकरण के द्वारा ही होगा। आपने देखा होगा कि रजिस्ट्रेशन वाला जो पॉइंट था वो ज़्यादातर उन लोगों के लिए है जिनका लिंक कहीं ना कहीं इंडिया से है, या तो उनके एंसेस्टर्स इंडिया में है या उनका विवाह इंडिया में हुआ है, तो रजिस्ट्रेशन के ज़रिए ज़्यादातर ये उन लोगों के लिए जो भारत से संबंधित देते हैं। नेचुरलाइजेशन उन लोगों के लिए जो भारत से संबंधित नहीं है, विदेशी हैं पूरी तरह से, तो उनको ये क्राइटेरिया फुलफिल करने होंगे और अगर वो अप्लाई करते हैं तब नेचुरलाइजेशन के जरिए वो भारत के नागरिक कहलाएंगे। आप रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन में एक फ़र्क तो ये जाना कि यहाँ पे लोगों का लिंक कहीं ना कहीं इंडिया से होता था, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। दूसरा फ़र्क ये है कि रजिस्ट्रेशन में मैंने आपको जितने क्लॉजेस बताए वो ईदर थे, या तो 7 साल रहे हो या तो आपका विवाह हुआ हो किसी इंडियन से और 7 साल रहे हो, तो ज़्यादातर जो क्लॉजेस थे वो थे कि या ये वाला या ये वाला। पर नेचुरलाइजेशन में ये सारे कंपलसरी क्लॉजेस हैं, कहने का मतलब इसमें कोई ऐसे ऑप्शन नहीं है कि आपका ये वाला क्राइटेरिया होगा तो भी मिल जाएगा, ये वाला होगा तो भी मिल जाएगा। अगर आप इंडिया के नेचुरलाइजेशन के तहत नागरिक बनना चाहते हैं तो ये सभी जो आपके क्लॉज है उसको आपको पूरे करने होंगे, तभी आप अप्लाई करके बन सकते हो। दोनों में फ़र्क समझ में आया? भारत का लिंक है जिसमें भारत से कोई लिंक नहीं है। इनमें जितने क्लॉजेस हैं किसी एक को भी फुलफ़िल करेंगे तो हो जाएगा, इनमें सारे क्लॉजेस को फुलफ़िल करना ज़रूरी है। तो हम बढ़ते हैं नेचुरलाइजेशन के तहत क्या क्या क्लॉजेस हैं, जो अगर कोई फॉरेनर है उसे रजिस्टर करना इंडिया का सिटीजन के तौर पर तो क्या फुलफ़िल करना होगा। तो सबसे पहले, अगर आप विदेशी हैं और भारत की नागरिकता चाहते हैं तो आप किसी ऐसे देश से ना हो जहां भारत को नेचुरलाइजेशन के ज़रिए नागरिकता से वंचित रखा गया है। कहने का मतलब भारतीयों को, Not from a country where Indians are deprived of the citizenship right by naturalization. अगर आप किसी ऐसे देश से हैं, समझना क्या कह रही हूँ मैं, अगर एक लाइन में नहीं समझ में आया हो, आप विदेशी हैं, इंडिया में आकर रह रहे हैं और भारत की नागरिकता के लिए क्लेम कर रहे हैं, क्लेम क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और आपको तब दी जाएगी भारत की नागरिकता जब आप किसी ऐसे देश के नागरिक ना रहे हों जिस देश में किसी भारतीय को वंचित रखा जाता है वहाँ की नागरिकता से। आ रही है बात समझ में? ठीक है, मतलब जिनके टर्म, जाहिर सी बात है अगर वो लोग भारतीयों को उस देश की नागरिकता नहीं देते, मतलब उस देश के और हमारे देश के टर्म सही नहीं हैं, तो उस देश के लोगों को भी हम अपनी नागरिकता नहीं देंगे, ठीक। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपकी नागरिकता का जो एप्लीकेशन है अगर वो सबमिट होता है तो आपको एक अंडरटेकिंग देनी होगी कि मैं जिस देश का नागरिक था पहले या थी पहले, मैं वहाँ की नागरिकता रिनाउंस कर दूंगी या कर दूंगा, मतलब वहाँ की नागरिकता छोड़ देंगे। आप जानते हैं इंडिया में डुअल सिटीजनशिप अलाउड नहीं है,
आप किसी फॉरेन कंट्री के सिटीजन है, आप यहाँ के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो जब तक आप वहाँ की नागरिकता छोड़ोगे नहीं, यहाँ की नागरिकता मिलेगी नहीं। ठीक, तो जैसे आपका एप्लीकेशन सबमिट होगा, तो सबमिशन के बाद ये तो नहीं पता ना कि आपका एक्सेप्ट होगा कि नहीं, तो जैसे ही एक्सेप्ट होगा, एक्सेप्ट होने के बाद आपको अंडरटेकिंग देनी होगी कि हमें वहाँ की नागरिकता छोड़ दूंगा, तब जा कर के आपको यहाँ की नागरिकता मिलेगी, और जैसे ही ये परमानेंट हो जाता है आपको वहाँ की नागरिकता छोड़ देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये भी कंपलसरी है, ये भी कंपलसरी है। और तीसरी कंपलसरी चीज़ ये है कि इस मद के तहत अप्लाई करने से कम लगातार 12 महीने आप इंडिया में रहे हों, ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर एटलीस्ट 12 मंथ्स बिफोर अप्लाइंग, अप्लाई करने से 12 साल पहले रेगुलरली आप 12 महीने यहाँ रहे हों, तब जा कर के आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अचानक से आके एक महीने के अंदर अप्लाई कर दे ऐसा नहीं, 12 महीने रहना पड़ेगा। और एग्रीगेट 11 साल के लिए रहे हों, एग्रीगेट का मतलब कभी 2 साल रहा, फिर 2-3 साल आप वापस चले गए, फिर 3 साल आए, तो इस तरह से ऑन एंड ऑल आप जब अप्लाई कर रहे हैं नागरिकता के लिए इंडिया में, तो उससे पहले 11 साल तक के आप रहे हों, लेकिन जब अप्लाई कर रहे तो कम से कम 12 महीने प्रीसीडिंग 12 महीने आप यहाँ पे रहे हो। अच्छा, इसमें एक चीज़ लिखी जाती है कि ये जो 11 साल वाला क्राइटेरिया है वो 12 मंथ से पहले वाला है। कहने का मतलब दो चीज़ें एक लिंक में समझना, आप आज अप्लाई करना चाह रहे हो मान लीजिए, तो पहली चीज़ तो आज से पहले 1 साल तक लगातार आप इंडिया में रहे हो, और उस 1 साल से पहले 11 साल तक ब्रेक लेकर ही सही आप इंडिया में रहे हों। अब इसमें आई बात समझ में ये चीज़, एग्रीगेट 11 साल होना चाहिए, रेगुलर ज़रूरत नहीं, और यहाँ पे लगातार 12 महीने होना चाहिए। ठीक है, तो 12 महीने प्रीसीडिंग और 11 साल एग्रीगेट उसके पहले। अब यहाँ पे जो 11 साल वाला क्राइटेरिया है उसको रिलैक्स करके 6 साल किया गया, ये आप जानते ही होंगे। सिटीजनशिप का जो लास्ट अमेंडमेंट बिल आया 2016, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2016, अमेंडमेंट बिल 2016, उसमें रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को भारत की नागरिकता, एक्सेप्ट मुस्लिम रिलीजियस जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो आपकी सिक्स हैं, ठीक है, या जैन्स हैं, या जूस बुद्धिस्ट हैं, जितने अभी माइनॉरिटीज़ हैं, अल्पसंख्यक हैं, उन्हें भारत की नागरिकता देने की बात की गई है उस सिटीजनशिप बिल 2016 में। ठीक, एक तो वो बड़ा प्रावधान है जो इसमें जोड़ा गया, और दूसरी चीज़ जो इसमें है वो 11 साल के क्राइटेरिया को रिलैक्स करके 6 साल। बहुत सारे लोग हैं जो पिछले कुछ एक आध दशक के अंदर इंडिया में आए हैं। ठीक है, सो यहाँ पर ऐसा है कि ये जो अवधि है काफ़ी लंबी हो जाती है, इसलिए इसको रिलैक्स करके 6 ईयर्स करा जा रहा है 2016 वाले बिल में। डू रिमेंबर दिस, क्लियर विद दैट? ठीक, और जो इसकी लास्ट रिक्वायरमेंट है, कंपल्सरी रिक्वायरमेंट, वो ये कि संविधान की जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र है, आपको उनमें से कोई एक भाषा का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, जस्ट टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर नेचुरलाइजेशन यू नीड टू नो वन ऑफ द लैंग्वेजेस मेंशन इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अनुसूची 8 की 22 भाषाओं में से किसी एक का ज्ञान होना चाहिए। उसके अलावा छोटी छोटी चीज़ें, यू शुड बी ऑफ गुड कैरेक्टर, इस तरह की चीज़ें और मेंशन की गई जो आपके एग्जाम पॉइंट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, सो किसी ऐसे देश से ना हो जहाँ आपको वंचित, जहाँ भारतीयों को वंचित रखा हो, आप यहाँ की नागरिकता एक्सेप्ट होने के बाद वहाँ की नागरिकता छोड़ दें, 12 महीने लगातार यहाँ रहे हों, और उससे पहले एग्रीगेट 11 साल और अब नए बिल के हिसाब से 6 साल यहाँ रहे हों, और आपको 8वीं अनुसूची की किसी एक भाषा का ज्ञान हो, तब अगर आप विदेशी भी हैं तो प्राकृतिकरण द्वारा भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं, भारत के नागरिक बन सकते हैं। इज दैट क्लियर? इज दैट फाइन? ओके, ठीक। तो ये वो सारे तरीके थे अंडर दिस एक्ट जिसके तहत भारत की नागरिकता मिल सकती है। अब हम देखेंगे कि इस एक्ट के तहत भारत की नागरिकता कैसी छीनी जा सकती है। हाउ कैन अ पर्सन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज राइट्स ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया। सो लॉस ऑफ सिटीजनशिप अंडर सिटीजनशिप एक्ट इन 1955, किस तरह से किसी नागरिक की नागरिकता समाप्त हो सकती है, उसके 3 क्राइटेरिया इस अधिनियम के तहत दिए गए हैं। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, जितनी रजिस्ट्रेशन नेचुरलाइजेशन में थी उससे कम यहाँ पर आपको समझना है। तो देखिए, सबसे पहले रिनंसिएशन है, मतलब स्वैच्छिक त्याग, दूसरा है टर्मिनेशन बर्खास्तगी द्वारा, और तीसरा है डेप्रिविएशन मतलब वंचित करने द्वारा। इन 3 तरीकों से इस अधिनियम के तहत किसी की भी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। पहला है रिनंसिएशन, स्वैच्छिक त्याग, नाम से समझ में आ रहा होगा, यदि कोई भारत का नागरिक है किसी भी तरह से रहा हो, जो भी क्राइटेरिया आपके 5-11 के बीच में है, या एक्विजिशन के जो 5 पॉइंट्स इस एक्ट में है, किसी भी तरह से अगर कोई भारत का नागरिक वर्तमान में है और वो अपनी इच्छा से भारत की नागरिकता त्यागने की रजिस्ट्रेशन करवाता है, तो वो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। इन सब में एक लॉज ये है कि यदि वॉर चल रहा हो, कोई युद्ध चल रहा हो, और तब ऐसा कोई एप्लीकेशन आता है, तो उसी टाइम उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ठीक है,
युद्ध के दौरान ऐसे कोई एप्लीकेशन को सरकार टाल भी सकती है। ठीक, ये पहले और दूसरे दोनों पॉइंट में इस्तेमाल हो सकता है कि यदि युद्ध चल रहा हो और इतने छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देने लायक भारत सरकार के पास वक्त ना हो तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही पॉइंट्स में कुछ दिनों के लिए उसकी नागरिकता भारत की बनी रहेगी, समाप्त नहीं होगी। क्लियर विद दैट? ठीक, तो रिनन्सिएशन मतलब अपनी इच्छा से भारत की नागरिकता त्याग देना। अगर वो ऐसा अप्लाई करता है तो भारत की नागरिकता उसकी छीन ली जाएगी या समाप्त हो जाएगी। दूसरा है टर्मिनेशन, बर्खास्तगी द्वारा। ठीक, ये तब होगा जब वो डुअल सिटीजनशिप लेने की कोशिश करेगा। कहने का मतलब, जब हम जानते ही हैं कि इंडिया में डुअल सिटीजनशिप अलाउड नहीं है, दोहरी नागरिकता अलाउड नहीं है, इंडिया का नागरिक किसी और देश की नागरिकता हासिल नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो अपनी इच्छा से किसी और देश की नागरिकता हासिल करता है तो ऑटोमेटिकली इंडिया की उसकी नागरिकता जो है वो समाप्त हो जाएगी। ठीक, पहला वाला क्या था, अपने हिस्से, अभी वो किसी और देश की नागरिकता हासिल किया वाला पॉइंट नहीं है, अभी क्या है, मैंने खुद से यहाँ की नागरिकता त्याग दी तो समाप्त हो जाएगी। दूसरा पॉइंट है, मैंने किसी और देश की नागरिकता हासिल कर ली अपनी इच्छा से और आप जानते हैं कि इंडिया में ऐसा अलाउड नहीं है, तो आपकी ऑटोमेटिकली यहाँ की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। दोनों ही केस में, वॉर में, ये दोनों ही चीज़ टल सकती है। ठीक, उसके अलावा तीसरा पॉइंट थोड़ा सा समझें, डेप्रिवेशन के द्वारा, ये वंचित करने द्वारा, केंद्र सरकार डेप्रिवेशन के जरिए भी किसी भी इंसान की, किसी भी नागरिक की नागरिकता समाप्त कर सकती है। अगर वो इनमें से किसी ऑप्शनल, ये चीज़ें इनमें से किसी चीज़ में इन्वॉल्व पाया जाता है, पहली चीज़ फ्रॉडुलेंट सिटीजनशिप। कहने का मतलब, अगर ये तहकीकात के बाद पता चलता है कि उसने जो भारत की नागरिकता हासिल की थी वो किसी फ्रॉड तरीके से की थी और ये अगर साबित हो गया तो उसकी जो सिटीजनशिप है वो समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, फ्रॉडुलेंट एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप, गलत तरीके से अगर आपने फोर्जरी करके, अगर आपने धोखेबाजी से भारत की नागरिकता हासिल की है और ये साबित हो गया तो सरकार उसकी नागरिकता समाप्त कर सकती है। दूसरी चीज़ डिसलॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब ये है कि यदि आपने कोई ऐसा केस आपके ऊपर चला जिससे ये प्रूव होता है आपके ऊपर, आप कल्प्रिट पाए जाते हो कि आपने संविधान और संविधान के आदर का अनादर किया है, संविधान के जो महत्व है उसका अनादर किया है, तो ऐसे में भी अगर सरकार चाहे तो आपकी नागरिकता से आपको वंचित कर सकती है, नागरिकता से आपको डिप्राइव कर सकती है। ठीक है, तो डिसलॉयल्टी एक बड़ा टर्म है जिसको डिफाइन या रिफाइन नहीं किया गया है। ये जो है कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर है कि किन केसेस में वो इस मद के अंदर नागरिकता को समाप्त कर सकती है। क्लियर विद दैट? तीसरी चीज़ है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन के जरिए भारत की नागरिकता हासिल की है, अगर आपने इन दोनों के जरिए हासिल की है का मतलब है आप ओरिजिनली यहाँ के हो और यहीं के शुरुआत से सिटीजन हो, नहीं है। रजिस्ट्रेशन के जरिए हो मतलब आप मूल निवासी हो पर कहीं और रहे हो या रह रहे हो। ठीक, अगर आप नेचुरलाइजेशन के जरिए किए मतलब कभी ना कभी आप कहीं और के देश के निवासी रहे होंगे, वहाँ के सिटीजन रहे होंगे। मतलब रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन के ज़रिए भारत के नागरिकता हासिल करने वाले लोग ऐसे वो लोग नहीं है जो भारत में शुरू से जन्मे भी और रह भी रहे हैं और शुरुआत से सिटीज़न हैं, कहीं ना कहीं उनका विदेश से नाता है। तो ये वाला पॉइंट उन लोगों के लिए जो रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन के ज़रिए भारत की नागरिकता हासिल किए हैं, अगर उसके बाद 5 साल के अंदर, within 5 years, ठीक है, सिटीजनशिप हासिल करने की, भारत की नागरिकता हासिल करने के 5 साल के अंदर अंदर अगर किसी और देश में आपको 2 साल की सज़ा होती है, मान लीजिए कोई ब्रिटेन से इंडिया आया है, वो नेचुरलाइजेशन के ज़रिए भारत का नागरिक बन गया, ठीक, और ऐसा किए हुए 5 साल नहीं हुए अभी उसको, 3 साल ही हुए भारत की नागरिकता हासिल किए हुए, ठीक, और उसके बाद अभी ये पाया गया कि वहाँ पे ब्रिटेन की अदालत ने उसे सज़ा दे दी 2 साल की, तो 2 साल की अगर सज़ा है, कम से कम, उससे कम वाली सज़ा की में नहीं होगा, कम से कम अगर 2 साल की सज़ा मिलती है तो भी उसकी नागरिकता भारत की समाप्त हो जाएगी। इम्प्रिजनमेंट पर भारत की नागरिकता समाप्ति का ये वाला क्लॉज है उन लोगों के लिए जो बाहर के थे और अब इंडिया की सिटीजनशिप लेकर बैठे हैं। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक, 2 साल का क्राइटेरिया याद रखना और सिटीज़न बने हुए उनको 5 साल हुए हैं ये याद रखना। ठीक, और उसके बाद अगर आपके पास भारत की नागरिकता है और आप लगातार 7 सालों से विदेश में रह रहे हैं तो भी आपकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। कई लोग बोलेंगे भाई कई लोग तो काम करते हैं विदेश में, कई स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ने जाते हैं अब्रॉड, तो उन लोगों की नागरिकता कैसे समाप्त होगी? तो याद रखिए, इसमें एक्सेप्शन ये है कि वो इंडियन सिटीजन्स
जो किसी वर्क परमिट के जरिए किसी दूसरे देश में काम कर रहे हैं, ये बात उनके लिए नहीं है। वो इंडियन स्टूडेंट्स जो अब्रॉड में पढ़ रहे हैं, ये बात उनके लिए नहीं है। या फिर ऐसे भी लोग जो बाहर हैं और एनुअली वहाँ का जो हमारा काउंसिलेट है, जो पार्षद वाला आपका ऑफिस होता है, पार्षद प्रतिनिधि वाला, काउंसिलेट बोलते हैं हम उसको, अगर वो एनुअली वहाँ पे अपनी रिन्यूअल ऑफ सिटीजनशिप के लिए अप्लाई नहीं करते हैं तो होगा, अगर वो एनुअली अप्लाई करते हैं तो उनका नहीं होगा सिटीजनशिप का लॉस। समझना क्या कह रही हूँ मैं, इंडिया के वो नागरिक जो भारत से बाहर 7 सालों के लिए रह रहे हैं, लेकिन ना तो वो स्टूडेंट्स हैं, ना तो वो वहाँ पे सर्विस पीरियड में हैं, ना ही वो हर साल वहाँ के काउंसलेट में अप्लाई कर रहे हैं अपने सिटीजनशिप की रिटेनिंग के लिए, इंडियन सिटीजनशिप को रिटेन करने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो उनकी नागरिकता समाप्त कर जाएगी। स्टूडेंट्स हैं तो नहीं होगा, ठीक, सर्विस पीरियड में है विदेश में तो नहीं होगा, और अगर वो एनुअल रिटेनिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो भी नहीं होगा। वरना अगर बिना कोई इन्फॉर्मेशन के 7 साल के लिए रह रहे हैं तो सिटीजनशिप का लॉस हो सकता है। क्लियर विद दैट? ठीक। और ये चीज़ है कि अगर मान लीजिए हमारा कोई दुश्मन देश है, अगर ये पाया जाता है कि आप उनके साथ कोई इलीगल ट्रेड कर रहे हो या किसी तरह का वार्तालाप, कोई तरह का कम्युनिकेशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये गद्दारी कहलाती है, ट्रेटर के दर्जे में आ जाओगे आप। तो अगर आप ट्रेटर या गद्दार साबित हो जाते हो, देशद्रोही साबित हो जाते हो, तो भी आपकी सिटीजनशिप आपसे छीन ली जाएगी, आपकी सिटीजनशिप समाप्त कर ली जाएगी। ये ऑप्शनल है, ऐसा हो सकता है, यानी ऐसा किया जा सकता है, इस दायरे में आप आ जाएंगे, ठीक है, अगर आप ट्रेडर साबित हो जाते हैं ऐसा कोई दुश्मन देश, ठीक, जिसके साथ आप ट्रेड करते पाए गए या कम्युनिकेशन करते पाए गए, अगर सरकार चाहे तो आपकी सिटीजनशिप समाप्त कर सकती है। क्लियर विद दैट? दैट इज़ इट इन द लॉस ऑफ सिटीजनशिप। इतनी ही चीज़ें थी, इनमें से किसी भी केस में अगर आप पाए गए तो सिटीजनशिप समाप्त हो सकती है, ठीक। सो दैट इज़ ऑल विद द एंटायर टॉपिक ऑफ सिटीजनशिप। पहले वीडियो में हमने सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पढ़े, उसके बाद हमने स्टैट्यूटरी प्रोविजंस मतलब कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 को इस वीडियो में डील किया। इसमें और भी कई सारे एस्पेक्ट्स हैं, अगर आप डिटेल वगैरह पढ़ना चाहते हैं या समझना चाहते हैं तो जो मेंस के सिलेबस वगैरह हैं उनमें आप जाकर पढ़ सकते हैं। जब मेंस की क्लासेस डिटेल में शुरू होंगी तो हम इसको और इलेबोरेट करेंगे, इस पर से क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं वो हम देखेंगे। यहाँ पे मेनली ऑब्जेक्टिव पर्पस 2 मार्कर और 4 मार्कर के लिए चीज़ें हैं। यहाँ जो आपकी सीरीज़ चल रही है वो मेनली आपकी प्री को फोकस करके चल रही है। क्लियर विद दैट? इसकी और डिटेलिंग हम मेंस की क्लासेस में करेंगे। अगर कोई भी आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको कोई डाउट हो, तो आप क्वेरी चाहिए है आपके दिल में, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू सो मच। तो फिर देर किस बात की, अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.competitioncommunity.com। इसके अलावा इस मोबाइल कोर्स से जुड़ी और अधिक जानकारी के लिए आप हमें इन दिए गए नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं। और हाँ, इसके अलावा आप एक डेट और सेव कीजिए, 22 दिसंबर 2019 इस दिन से लॉन्च होने वाला है FTR यानी कि फास्ट ट्रैक रिविजन कोर्स हमारे YouTube चैनल पर। तो अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक शेयर करें और हमारे वीडियोज़ को लाइक करें।